चांद को यार्स अनादर किचन में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं रसाला बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, ये मुगलाई डिश है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने हाफ के जी मटन लिया है और मटन को अच्छे से मैंने धो लिया है। अब ये मैंने जो दही ली है बॉल में, इसमें मैं मटन को ऐड कर दूंगी। मैंने 125 ग्राम दही ली है, तो मटन मैंने ऐड कर दिया। ये हाफ नींबू है, इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। इसे मैंने नींबू को अच्छे से निचोड़ लिया है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये पपाया है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इन सबको इसमें ऐड कर लेंगे। पपाया मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये कुकर में मैं बना नहीं रही हूँ और ये थोड़ा सा मैरिनेशन में बहुत ही अच्छा इसका ये होता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ कवर करके। मैंने रख दिया है। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की अनियन लिया है जिसको इस तरह से काट लिया है। इसे तेल में हल्का फ्राई करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ब्राउन नहीं करना, मुझे वाइट ही रखना है। ये मैंने मलाई ली है। यहाँ मैंने 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 4 लाल मिर्च ली हैं और 4 या 5 मीडियम साइज़ की, मतलब ये हरी मिर्च ली है, इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। ये ज़ीरा है, दालचीनी और लौंग। और यहाँ मैंने ज़ीरा काली मिर्च को इसमें कूट लिया था, थोड़ा सा दरदरा सा। और मैंने जार में ये पेस्ट, फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है पॉपी सीड, और देर के लिए सॉटे करेंगे। अब इसमें जो मैंने ये सब रखा था, हरी मिर्च, लाल मिर्च, तेजपत्ता, ज़ीरा, दालचीनी और लौंग, इन सबको इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त हमारा मैरिनेशन के लिए रेडी है और आज बहुत ही डिलीशियस सा रसाला बनकर आपके सामने तैयार है। इस रेसिपी इस तरह से बनाएं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर थोड़ी देर पर चला लेंगे। इस तरह से प्याज का कच्चापन महसूस करने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। आप प्याज का पेस्ट भी बनाकर डाल सकती हैं, मगर मैं प्याज का पेस्ट नहीं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं प्याज को इस तरह से करके डाल रही हूँ। हमारी प्याज जो है हो चुकी है, इतने पर मैं गोश्त को इसमें ऐड कर दूंगी। चलिए गोश्त ऐड कर लेते हैं इसमें। 1 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन करके रख दिया था। बहुत ही टेस्टी ये रसाला बनकर तैयार होता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक मुगलाई डिश है और ये मटन की बहुत अच्छी डिश बनती है। यहाँ मैंने ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा देर होने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। इसमें ज़्यादा मसाला जाता नहीं है। चलिए इसमें ये ज़ीरा मैंने दरदरा सा और काली मिर्च कूट कर रखी है, इसे इसमें ऐड कर देते हैं।
और ये मलाई भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट रज़ाला बनकर ये तैयार होगा और बहुत ही ज़ायक़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से बनाने के लिए। और ये मैंने जो पेस्ट बनाकर फाइन पेस्ट रखा था पॉपी सीड और वो काजू और थोड़ा सा बादाम, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो जार में ये लगा हुआ था इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सारे मसाले धोकर मैंने डाल दिए, वेस्ट नहीं किए और इसे अब कवर कर देंगे। ये मुगलाई की मुगलों की बहुत ही अच्छी डिश मानी जाती है, बहुत ही जायकेदार होती है, रिच कहें, इस सालन को रिच भी कह सकते हैं। चलिए इसे अब कवर कर देते हैं और मिलते हैं आपको 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं और इसे मैं खोलकर देख रही हूँ। 20 मिनट्स के बाद मैं इसे खोलकर देख रही हूँ कि हमारा कितना रेडी हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने पपीता ऐड किया है। गोश्त हमारा टेंडर कभी हुआ नहीं होगा। 20 मिनट ये मोस्टली और अभी होगा, फिर भी मैं एक इसको एक टुकड़े को निकाल कर देखती हूँ कि हमारा कितना टेंडर हुआ है। हमारा टेंडर मोस्टली हो चुका है, थोड़ा इसमें मैंने जो धोकर पानी डाला था जार में आधा जार वही पानी है इसमें। उसके बाद मैंने पानी ऐड नहीं किया है। ये दही और मलाई और लहसुन अदरक जो मैंने मैरिनेशन करके रखा था वो सब मिक्स करके इसने अपना पानी ये किया है और इसका तेल सेपरेट हो रहा है। इसका मतलब है कि सालन हमारा रेडी होने के इस पर है। इस तरह से इसे थोड़ा देर और 20 से 25 मिनट और होने देंगे। अगर कुकर में होता तो ये बहुत जल्दी बन जाता, बट मैं आज इसे इसमें बना रही हूँ पतीले में। ये मुगलों की बहुत ही रिच डिश मानी जाती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़ायकेदार होती है। अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए फिर कवर कर देते हैं और उसके बाद आपको बिल्कुल रेडी होने पर मिलते हैं। खोल कर देख लेते हैं। बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका। चलिए अब फ्लेम को मैं बंद करती हूँ। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी, इसके अरोमा पूरे घर में आ रहा है। ये देखिए रिजाला हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद, तेल इसका बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और गोश्त भी इसका टेंडर हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा ऐड करूंगी। ये मैंने केवड़ा रखा है, इसमें मैं केवड़ा ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हमारा रिजाला बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे डिश आउट मैं कर लेती हूँ और इसे आप नान रोटी के साथ, चपाती के साथ, तंदूरी के साथ, पराठे के साथ, लच्छा पराठा किसी भी के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही जायकेदार और बहुत ही टेस्टी ये लगेगा। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिजाला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा।
और पुलाव के साथ, चटनी के साथ सब मिला के आप खाएं, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही जायकेदार होगा।